पाकिस्तान मज़दा गुड्स ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कराची में इजलास मुनक्किद हुआ हमारे सूबाई सदर जनाब शाही सैद की सरबराही में। तो इजलास में ये तय हुआ कि 84 दिनों से जो परलत चमन में बैठी हुई है और जिन्होंने रास्ता ब्लॉक किया है और वहाँ हमारे तकरीबन 4,500 के करीब ट्रांसपोर्ट फंसे हुए हैं और ट्रक मज़दा ट्रक काफ़ी तादाद में जो है ना वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उन ट्रक मालिकान की मसाइल और उनके मुश्किलात से आगाही देने के लिए हमने कराची में मुहिम का आगाज़ कर दिया है। उन ट्रांसपोर्टरों का तकरीबन ये 2.5 महीने से वहाँ पर कारोबार बंद पड़ा है और 2.5 महीनों से वो फाके के शिकार हैं। उनकी घरों में जो है ना मतलब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और उनके ट्रांसपोर्ट खड़ी है, उनके किस्तों की जो है ना अदायगियाँ बाकी है, काफ़ी गंभीर मसाइल है। और इस सिलसिले में हमारे बलूचिस्तान के तंजीम और खसूसन हमारे चेयरमैन साहब मीर नवाब मंगल साहब ने उन लोगों के साथ मिलकर जो एफर्ट्स किए हैं हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल करे और इन लोगों का जो जायज़ मसाइल है उनको जायज़ तरीके से हल करे। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अवाम की जान माल को तहफ़ दे और हमारे जो गाड़ियां वहां ज़बरदस्ती रोक की गई है उन गाड़ियों को रास्ता दे, उनको वहां से निकाले, उनको पुरामन तरीके से वहां निकाले। ये मसाइल हमारे लिए काफ़ी गंभीर है और हम इसके लिए जदोजहद का आगाज़ कर रहे हैं। हम दिगर ट्रांसपोर्ट तंजीमों से भी बात करके उनको इतिमाद में लेंगे और ये नाकाबिल बर्दाश्त अमल है पाकिस्तान के रियासत में हमारे साथ इस तरह की जो है ना दहशतगर्दी, ये नाकाबिल कबूल है। इसलिए हमारे मसाइल को पूरे तौर पर हल किया जाए। हम इसके लिए कराची प्रेस क्लब भी जाएंगे, हम एहतजाज का सिलसिला भी शुरू करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और हम दिगर तंजीमों को भी इतमाद में लेंगे। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि हमारे ट्रांसपोर्टरों को रास्ता दिया जाए और उनको वहाँ से बाजियाब कराया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असमत खान दुरानी अल पाकिस्तान मालदार ट्रक गुड्स एसोसिएशन के मरकजी नायब सदर। ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बुनियाद पे हो रही है ना कि हमारी कश्मीर में जो गाड़ियाँ जो गाड़ियों के ड्राइवरों को कच्चे के डाकों ने अगवा की है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते और इसकी भरपूर मुखालफत करते। हम बतौर ट्रांसपोर्टर ये हमारा बिरादरी है, हमारे इदारों से रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के उन इदारों से जो बरसर इकतदार है, जो ये मजाज रखते हैं कि ये कच्चे के इलाकों से हमारे ड्राइवर बिरादरी को बाजियाब कराया जाए। और इसी बुनियाद पर मैं कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के चेयरमैन नूर खान नियाजी साहब की बहुत मशहूर हूँ। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम उसकी भरपूर हिमायत करेंगे, हम उसके शाना बशाना खड़े। हमारे चेयरमैन मीर नवाब मंगल साहब ने उस हिदायत दी है कि आप लोग भी उसके साथ बतौर ट्रांसपोर्टर उसी उसके साथ कंधे में कंधा मिला करके ये ड्राइवरों की बाजाबी के लिए भरपूर कोशिश किया जाए। तो इस मामले में काशिप भाई बताएं, जो कराची में ट्रांसपोर्ट तंजीमों के एहतजाज का सिलसिला है इस पे आपका क्या मौक़िफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट इस वक्त जो है वो बिल्कुल परेशान हुई हुई है क्योंकि सिंध में और पंजाब में वही गाड़ियां चलती हैं जो इस वक्त वहां बलूचिस्तान में रोक ली गई हैं। अब इस तरह पूरा ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतासर हो रहा है, किराए के मामलात भी बढ़ चुके हैं, गाड़ियाँ शार्ट भी हो गई हैं और जो गाड़ियाँ वहाँ रुकी हुई हैं वो ड्राइवर भी परेशान हैं, वो भी फाके का शिकार हैं। एक तो वहाँ उनको कोई सहूलत नहीं है, रोड पे अगर 3 महीने तक गाड़ी किसी की रोक ली जाए तो वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा। और गाड़ियाँ तमाम की तमाम तकरीबन जो है वो किस्तों पे लेते हैं ड्राइवर और वही गाड़ियाँ फिर वो आहिस्ते आहिस्ते अपना घर का खर्चा भी उसी से निकालते हैं।
तो इस वक्त वो तमाम परेशानी के आलम में हैं। तो हमारी यही अपील है कि जो इदारे काम कर रहे हैं वहाँ जाएं और उनके साथ टाउन करें और गाड़ियों को आज़ाद करवाएं, बस यही अपील है हमारी। मेहरबानी चाह ज़रूर अपनी दिल से आप ये बताएं कि ये कश्मीर में क्या मसला मसाइल है, इनके बारे में आप ज़रा ब्रीफिंग करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आपको पता है और आपके इल्म में कि हम ट्रांसपोर्टर, हमारे ट्रांसपोर्टर जो है ना, हम बड़े मसले मसाइल के शिकार हैं इस टाइम। पहले मसला हमारा इस टाइम जो है ना, हम 2 महीने से मुसलसल उसकी कोशिशों में लगे हुए हैं। हमारी 4,500 गाड़ियाँ चमन के मकाम परलत वालों ने रोकी हुई है और हम उस मामले में लगे हुए थे कि ये 3-4 दिन पहले ये एक वाक्या पेश आया कश्मीर के मकाम पर, जहां हमारे ड्राइवरों को कच्चे के डाकुओं ने फायरिंग करके उसके टायर बस्ट करके और उसको रोका। उसमें कुछ ड्राइवर ज़ख्मी भी किए और कुछ अपने साथ अगवा करके ले गए। इस टाइम हमारे 4 ड्राइवर उसके कब्ज़े में मौजूद हैं, जिसके वो तावान के 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। और हमारा पूरा जो है ना ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है ना इस टाइम खौफ में फंसा हुआ है, खौफ व खिराज फैला हुआ है हमारे ट्रांसपोर्टरों में, हमारे ड्राइवरों में, हमारे सिस्टम में। पूरा जो पाकिस्तान का एक सिस्टम है वो मईशत का वो ट्रांसपोर्ट से चलता है और इस टाइम ट्रांसपोर्ट बिल्कुल हम लोग परेशान हाल बैठे हुए हैं कि हम अपने ड्राइवरों को कैसे बाजियाब कराएं। इसलिए हमारा जो सिंध की गवर्नमेंट है, वफाकी गवर्नमेंट से भी और सिंध की गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है और हम ये अपील करते हैं उससे कि आप हमारे जो है ना सुने और हमारे ड्राइवरों को इसकी जो है ना अपना चंगल से आज़ाद करवाएं, जो डाकुओं के चंगल से आज़ाद करवाएं और हमें तहफ़ फराम करें सिंध के रोडों पर, हमें तहफ़ फराम करें, सिंध की पुलिस हमारे साथ ताउन करे, रेंजर हमारे साथ ताउन करे और हमारे ड्राइवरों को जो है ना वहाँ से बाजियाब किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद सईद बंदानी, आल पाकिस्तान मज़दा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी यूनियन की तरफ से मुखातिब हूँ आपसे एज़ सिंध सदर की हैसियत से। अर्ज़ ये है कि लुल्ला भाई, जैसे कि आपने सवाल किया, ट्रांसपोर्ट तो वो इदारा है कि जिसको हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर इस टाइम सिवाए मसाइल के अलावा कोई दूसरा यानी कि ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। ट्रांसपोर्ट वो इदारा है जो लंगे पूरे पाकिस्तान की यानी कि तमाम मईशत, तमाम कारोबार, सब सिस्टम में ट्रांसपोर्ट पेश व पेश है और उसके बगैर नामुमकिन काम है। जैसा कि हमारे ट्रांसपोर्ट प्लेटफार्म से मुख्तलिफ जगहों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एहतजाज रिकॉर्ड हो रहा है हर जगह पे, जिस तरीके से तक पिछले 2 माह से हमारा क्या नाम है जो चमन बॉर्डर पे जो पल्लत जो लोग हमारी गाड़ियाँ 4,000 गाड़ियाँ रोक के वहाँ खड़े हुए हैं, हमारे चेयरमैन साहब मीर नवाब मंगल साहब पिछले 24 दिन से वहाँ पर मौजूद हैं हमारी काबीना के साथ और वो इंतज़ामिया के एक एक दरवाजे पर, एक एक ऑफिस के अंदर वहाँ जाके गवर्नर साहब से मुलाकात की, वज़ीर आला साहब से मुलाकात की, तमाम और जो वहाँ पर सियासी वहाँ पर लोग हैं, वज़रा हैं, उन सब से उन्होंने जाकर मुलाकातें की, मगर अभी तक आज दिन तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया है। हर बंदा यही कहता है कोशिश कर रहे हैं, बात हो रही है और कुछ तो ये कहते हैं कि हमारे बस में ये चीज़ें नहीं हैं, एक बात। अब दूसरी बात, ये जो चंद रोज़ पहले जो कश्मीर के अंदर मामला हुए, कश्मीर कंदकोट वो टुकड़ा है जहाँ पर पिछले तकरीबन 2.5 से 3 साल से वहाँ पर कशीदगी ट्रांसपोर्टरों के लिए बहुत ज़्यादा फैली हुई है। कच्चे के लोग हैं, वो रात को आते हैं हाईवे के ऊपर, रोडों के ऊपर फायरिंग करके ट्रांसपोर्टर को, वहाँ पर शहादतें भी हुई हैं, वहाँ गाड़ियों को लूटा भी गया बेतहाशा। अभी हाल ही में 3 रोज़ पहले हमारे ट्रांसपोर्टरों को वहाँ से अगवा करके अब उनसे 1-1 करोड़ का तावान उनसे मांगने की मतलब डिमांड्स उनकी आ रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि इदारे कहाँ पर हैं जो हमारे तहफ़ नहीं दे सकते, हमसे टैक्स लेने में वो हर चीज़ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है टैक्स पे करता है, रोड का टैक्स, गाड़ी का टैक्स, हर जगह वो टैक्स पे कर करके थक चुका है, मगर सबसे ज़्यादा बेयार व मददगार जो इदारा है बिजनेस के हवाले से वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट है जो बिल्कुल उनकी कहीं भी नहीं सुनी जाती। तो लिहाजा मैं इदारों को बार बार ये बात कह रहा हूँ, आज फिर मैं एक बार यकीन दहानी करवा रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ जिस तरीके से हमारे अपना ट्रांसपोर्टर जो है न्याजी साहब, उन्होंने भी ये बात कही है, हम आपसे मुखातिब होकर ये बात कह रहे हैं कि लिहाजा अकल के नाखून लें, ट्रांसपोर्टर को तहफ़ दें, ट्रांसपोर्टर को तहफ़ दें, ट्रांसपोर्टर के माल, इज़्ज़त, आबरू की तहफ़ की जिम्मेदारी आपकी है,
जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर टैक्स पे करता है अपनी जिम्मेदारी पे, इस तरीके से एज अ पाकिस्तानी एज अ ट्रांसपोर्टर आपका हक बनता है कि आप हमारे ट्रांसपोर्टर को बिल्कुल तहफ़ दें। ये बात हम बार बार कह रहे हैं और हमें खदशात हो रहे हैं ये बार बार, जिस तरीके से ईस्टर्न यानी कि सकूनी बद इतमादी ट्रांसपोर्टर के अंदर फैल रही है, खुदा ना खास्ता हम जिस दिन रोडों पर आ गए पूरा पाकिस्तान जेम कर देंगे। हम आपसे बार बार अर्ज़ कर रहे हैं, निगरा गवर्नमेंट से अर्ज़ कर रहे हैं, लिहाजा इदारों से अपना अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारे इन बयानात को, हमारे इन लफ्ज़ों को, हमारे इन मामलात को, जज्बात को आप समझें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ इदारों को हमारे ट्रांसपोर्टरों को तहफ़ दें और उनका जान माल इज़्ज़त आपकी हिफाजत की मुंतज़िर है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नूरुल्ला अचकज़ई साहब और हमारी काबीना का, और ख़ास तौर पर जनाब नवाब मिंगल साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस टाइम बॉर्डर अफगान बॉर्डर पर खड़े हुए अपने ट्रांसपोर्टरों के हक के लिए, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, उनकी काबीना को सलूट पेश करता हूँ। और जो हमारी सिंध की काबीना जो है अल्हम्दुलिल्लाह हब चौकी वर्ड इस तरफ जा जाके जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है और इंतजाम से मिल रही है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह पाक तमाम ट्रांसपोर्टर और तमाम पाकिस्तानियों का हिफ्ज़ो अमान। अल्लाह अच्छा मनोवर भाई ये बताया कि आप लोगों ने क्या लाया अमल तय किया है, आइंदा का प्रोग्राम आप लोगों का क्या होगा, आप ट्रांसपोर्टरों को किस तरह मोबिलाइज करेंगे और उसको कहां कहां तक एहतजाज के लिए लेके जाएंगे और क्या तरीका कार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मनोवर अली, मैं जनरल सेक्रेटरी अपनी यूनियन ऑल पाकिस्तान मजदा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। सर असल में बात यह है कि हमारी यहाँ जो ट्रांसपोर्ट है जितने भी सालों से मकसद कहने का इनको तकलीफ़ें मिलती आ रही हैं, कभी किस सूरत में कभी किस सूरत में, तो वो तो झेलते आ रहे हैं। अभी इस टाइम जो सगीन और नाजुक जो हालात हैं वो एक तो है चमन बॉर्डर पे जो परलत वालों ने गाड़ियाँ रोकी हुई हैं उस पर, दूसरा जो रोडों पे जो ये अगवाए बाद तावान का जो सिलसिला जारी है, डाकुओं का जंगल राज लगा पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के होते हुए, हमारे ड्राइवरों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। तो सर मेरा यही एक कहना है कि हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं हमारे को ये लोग जो है ना मजबूर कर रहे हैं रोडों को निकलने के लिए, तो बराए हम मेहरबानी हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप हमारा तहफ़ करें। हम गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी मुतालबा करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट से भी करते हैं। कहने का मकसद ये है कि जहां जहां भी हमारे ड्राइवर हमारे ट्रांसपोर्टरों को तकलीफ़ मिल रही है उसकी ज़िम्मेदार जो है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे इदारे जो है ना उनको टैक्स अदा करते हैं और उन इदारों का उन्होंने कोई भी किस्म का कोई भी तहफ़ नहीं दिया, तो बहरहाल अभी हम हो गए हैं मजबूर। हमारे ड्राइवरों को चलो ठीक है, पहले तो लूट लेते थे वो अलग चीज़ थी, अभी तो उनको जो ना मार रहे हैं और उनको लेकर जा रहे हैं। अभी एक ड्राइवर जो है ना 12,000-15,000 रुपये तनख्वाह वाला ड्राइवर अभी 1 करोड़ कहाँ से लेकर आएगा, जो कच्चे के इलाके में उनको अगवा करके लेकर गए। उनकी पहले तो ये है कि वो 500,000 रुपये वाले ड्राइवर हैं, वो दिहाड़ीदार ड्राइवर हैं। तो बहरहाल सर हम अभी जो गवर्नमेंट से इसी वजह से मुतालबा ये कर रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारे ट्रांसपोर्टरों को, हमारे गुड्स वालों को, हमारे ड्राइवरों को, हमारे गाड़ी के ओनरों को तहफ़ दें। सर हम आपके पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं, हम टैक्स अदा करने वाले लोग हैं, हमारा लिहाज करें, हमारी हिफाजत करें। हमारी ये बच्चों की रोज़ी रोटी का मसला है, तो हम कोई डाकू चोर तो है नहीं कि हम रोडों पे जाके कोई अगवा करके कोई हम पैसा कमाते हैं। यही ट्रांसपोर्टर हैं, हम यही काम करते हैं और बाय ये रोड जो है ना हमारा रोज़ी रोटी का रोड है, इस पे जो है ना बस बहरहाल ये है कि हमारे को ज़्यादा मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों पे जाके निकलें और रोडों पे जाके बैठ जाएं, जैसे और लोगों ने किया है, परलत वालों ने किया है, रोड बंद करके उन्होंने जो है ना गाड़ियों को रोक कर जो है ना ये गवर्नमेंट से मुतालबा किया है ना। हमने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, बहरहाल इस कदम को हम रोक रहे हैं और हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर कि हमारी ये ट्रांसपोर्ट को ये गवर्नमेंट इदारा जो है ना अपना तहफ़ में रखें। मेहरबानी सर, शुक्रिया।